नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पर हम लोग 5 दिसंबर 2017 का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ फर्स्ट का पेपर है, तो कैसा पैटर्न रहा था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल था, तो दोस्तों ये पेपर आप लोग के दिल्ली हेड पुलिस कांस्टेबल के लिए भी सहायक रहेगा। और आप लोगों से दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोगों में से किसी के पास भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का प्रीपेसर का पेपर है विद आंसर कीज, तो दोस्तों आप लोग हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, आप सभी को उस पेपर को भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल आज हम लोग यहाँ पर कांस्टेबल का पेपर डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग के मैथ्स रीजनिंग जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, वही सारे क्वेश्चन आज आप लोग को बताए जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी लेटेस्ट क्लास को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया था, ये आपका पहला सेक्शन रीजनिंग का है। रीजनिंग में इसमें आप लोग के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए, 35। तो आपको पता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ऐसा ही आप लोग का हेड कांस्टेबल के पेपर में भी क्वेश्चन रहते हैं। तो बिल्कुल इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे कि दरवाजा, दोस्तों जिस प्रकार दरवाजा जो है लकड़ी से बनता है, वैसे ही आपको बताना कमीज, तो कमीज किससे बनती है, कॉलर बटन कफ या कपड़ा। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा आपका, तो दोस्तों एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का डी वाला। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था सबसे पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं आप लोग का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, ब्लिंक, ब्लिंक को लिखते हैं IGPIR, ऐसे आपको पिंच को बताना है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए बी, बी से अगर हम लोग 7 स्टेप आगे बढ़ेंगे, CDEFGHI, तब आप लोग का आई आएगा। दोस्तों बी से 7 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा आई। एल से दोस्तों कितने स्टेप पीछे आपका जी आता है, अगर एल से आप लोग जो है 5 स्टेप पीछे आएंगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा। ऐसे दोस्तों आई, आई से 7 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आ रहा है, बिल्कुल आपका पी आ जाएगा। मतलब लॉजिक क्या चल रहा है, पहले 7 आगे बढ़ना है, फिर आपको 5 स्टेप पीछे जाना है, फिर 7 स्टेप आगे बढ़ना है, फिर 5 स्टेप पीछे जाना है। तो ये लॉजिक आपका चल रहा है, वही आपको करना है। अब पी लिखा है, पी से 7 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। आई से 5 स्टेप पीछे जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है ना, तो डब्ल्यू और डी कहां पर, ये रहा आपका ए वाले ऑप्शन में, बाकी आप लोग मिला सकते हैं। फिलहाल सही जवाब होगा हमारा ए वाला, अगर यहां से आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, 4 का दिया गया 64, तो 6 का क्या होगा ये आप सभी को बताना है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए, 4, 4 का क्यूब होता है दोस्तों आपका 64। ओके, तो 6 का क्यूब हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना होगा, 216 होगा, तो राइट आंसर होगा सी वाला। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, कार, साइकिल, ट्रक या फिर सड़क। तो सबसे विषम होगा दोस्तों यहाँ पर सड़क, ओके, क्योंकि कार, साइकिल और ये ट्रक ये विभिन्न प्रकार के वाहनों को, ये एक टाइप के व्हीकल्स हैं, जबकि सड़क जो है उनके चलने का एक माध्यम है, तो सबसे अलग होगी यहाँ पर सड़क। डी वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही होगा। चलिए अपना आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए, सबसे विषम अक्षर कौन सा है। देखते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, उसी हिसाब से सब में लॉजिक चेक करना है। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, देखिए पहले हम लोग 5 स्टेप आगे बढ़े, के पे पहुंच गया, के से 6 स्टेप आगे बढ़ते हैं क्यू पर पहुंचते हैं, और क्यू से 7 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आपको लोग एक्स पे पहुंचते हैं। यानी दोस्तों सब जगह लॉजिक आपका यही लग रहा है, सिवाय आपका ऑप्शन सी को छोड़कर, तो राइट आंसर आएगा आपके यहाँ से सी वाला। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखेंगे एफ के क्यू एक्स, तो दोस्तों यहां पर देखिए प्लस 5 स्टेप आगे बढ़े के पर पहुंच गया, प्लस 6 स्टेप आगे बढ़े हम लोग दोस्तों क्यू पर आ गए, और प्लस 7 स्टेप आगे बढ़े तो हम लोग एक्स पर आ गए। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों देखिएगा आप लोग जे ओ यू सी, तो यहां पर ये काम नहीं कर रहा है, यहां पर ये तो 5 स्टेप आगे है आपका, लेकिन ओ से यू तक जाने के लिए दोस्तों कितना चल रहा है, ये चल रहा है दोस्तों यहां से आपका 6, और उसके बाद दोस्तों यू से सी पर आने के लिए प्लस चल रहा है 8, तो चलना चाहिए था 7 लेकिन हो रहा है 8, तो इसलिए आपका ये सबसे अलग होगा, राइट आंसर होगा आपका सी वाला। चलिए फिलहाल अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम
संख्या के युग्म को चुनिए। राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से आप सभी को यह बताना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा बताइए। देखिए 14 दे रखा है, 14 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आप लोग का 56 आ जाएगा, 12 चौक 48, 8 चौक 32, 6 चौक 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 6 पंजे 30। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग का डी वाला। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर डी आ रहा तो बिल्कुल सही है। फिलहाल अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। अब आपको दिया गया 5, 3, 4, 2 और आगे दिया गया 16। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया 4, 6, 2, 9, 21 दे रखा है। तो आखिर लॉजिक क्या अप्लाई करना है ये आपको बताना है। ओके देखते हैं, 5, 3, 8, 4, 12, 13, 14 ओके, 6, 4, 10, 10, 9, 19, 20, 21 ओके 21 हो गया। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, जितने भी डिजिट दे रखे हैं सबको छोड़ दिए, 4, 6, 4, 10, 10, 9, 19 और 2, 21, 5, 3, 8 और 4, 4, 8 और 8 और 8 मिलाकर हमारा आ गया 16, 9 और 10, 6, 5, 11, 10 और 11, 21। लेकिन ये सबसे अलग है, जोड़ने पर नहीं आ रहा है। ओके तो बिल्कुल ये गलत दिया गया है, यहाँ पर आप लोग का 16 के बराबर नहीं है। तो आपका आंसर सबसे अलग होगा ये होगा आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आप सभी को बताना है। तो आइए देखते हैं कितने त्रिभुज होंगे इसमें। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिएगा इस डायग्राम को, अगर आप लोग देखेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को, तो दोस्तों इसको उठाएंगे तो आप लोग का ट्रायंगल इस तरीके का बनेगा। और मैंने ट्रिक बताई थी, जब भी दोस्तों इस टाइप का ट्रायंगल अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग लिखते हैं 1, 2 और 1, ये बड़ा वाला ट्रायंगल होता है दोस्तों उधर 3। तो ट्रिक होती है इसकी दोस्तों लगाने की, 2 और 1, 3 जोड़ देंगे हमारा 3 आ जाता है। तो इस वाले ब्लॉक में हमारे कितने ट्रायंगल हैं, 3 ट्रायंगल है। अब देखिए हमारा इसमें क्या है दोस्तों, एक ट्रायंगल ये रहा और आप लोग का देख सकते हैं एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल आप लोग का बड़ा वाला इसमें है, ठीक है ना। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस वाले ब्लॉक में 2 ट्रायंगल, इसमें 3 ट्रायंगल है, 3 और 2 मिलाकर कितने ट्रायंगल है इसमें, 5 है। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में 5 दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया है, राइट आंसर आएगा आप लोग का यहाँ से 5। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिलहाल एक आकृति दे रखी है, अब आपको बताना है दी गई आकृति में कितने आयत बन सकते हैं, कितने आयत बनेंगे ये आपको काउंट करना है। काउंट कीजिए बताइए, आपके ऑप्शन है 7, 8, 9 और 10। तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आप सभी को काउंट करना है। देखिए 1, 2 ठीक है ना, और ये एक बड़ा वाला बन जाएगा यहाँ से आपका 3। तो 3 तो अभी आप लोग के यहाँ पर बन गया, फिर देखिए हमने 4, 5, 6 ओके, फिर हमारा एक बनेगा 7, ऐसे बनेगा एक 8 और एक पूरा बन जाएगा 9 ठीक है ना, एक पूरा बन जाएगा 9 और एक बड़ा वाला बन जाएगा दोस्तों यहाँ से 10। तो कितने आयत बन रहे हैं हमारे, टोटल 10 आयत बन रहे हैं। तो अगर आप सभी का आंसर 10 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा हमारा 10। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेगा। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको क्या बताना, नीचे दी गई आकृति में जेड युग्म फलक के विपरीत क्या आएगा। दोस्तों जेड के जस्ट अपोजिट क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों अगर एन पूछते हैं, कुछ भी पूछा जाएगा, अपोजिट निकालना है। जैसे कि N के पीछे आपका S होगा ठीक है ना, T के पीछे आप लोग का R होगा, वैसे Z के पीछे आपका K होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ से आप लोग का आंसर K आ रहा है तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आपका C वाला। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर। चलिए फिलहाल अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बताना, देख सकते हैं आप सभी लोग, नीचे दी गई आकृति में कुल कितनी सतह है। देखिए कितनी सतह है, एक सतह हमारी हो गई दोस्तों ये पूरी सतह हो गई हमारी सामने वाली 1, ऊपर वाले हो गए 2, फिर नीचे 3, 4, ये हो गए 5 और एक उधर हो गए दोस्तों 6, 7, 8, 9 और मिलाकर ये साइड आपकी 10। तो कितनी सतहें दोस्तों इस चित्र में दी गए, चित्र में 10 सतह हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 10 होगा। क्लियर है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, राइट आंसर होगा 10। इसके बाद देखते हैं 12th क्वेश्चन। दोस्तों एक आकृति दे रखी है, दी गई आकृतियों में से उस आकृति को, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें आप लोग की प्रश्न आकृति निहित है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन किसमें आप लोग का निहित दे रखा है, किस फिगर में दिया गया है, ये आप सभी को पहचानना है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको बता दें जैसा कि राइट आंसर होगा आप लोग का सी वाला। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग की कौन सी आकृति निहित है,
तो ये है आप लोग की या फिर नहीं। तो दोस्तों ये आप लोग का टी बना हुआ है, यही चीज आपको समझनी है दोस्तों, यहाँ से आप लोग का ये डायग्राम इसमें निहित है, तो आंसर आएगा इसका सी वाला। ओके चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब देखिए यहां पर आपको क्या बताना है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए के अनुसार कागज को मोड़कर छेदने और उसके बाद खोलने पर किस तरीके का डिजाइन बनेगा। अब एक पेपर है, इसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार फोल्ड किया और फिर एक बार छोटा सा फोल्ड किया, तो कैसी आकृति बनेगी आप सभी को बताना है। अब देखिए दोस्तों इस पेपर को ओपन करते हैं, ओपन करने में दोस्तों ये पेज यहाँ तक खुलेगा और जो आपका डिजाइन यहाँ पर, ये जस्ट आपका डिजाइन यहाँ पर भी बन जाएगा, क्लियर है। तो दोस्तों इस टाइप से डिजाइन आप लोग का यहाँ पर भी बन जाएगा, फिर आप लोग पेपर खोलेंगे तो कैसा बनता चला जाएगा, तो यही आपको बताना है। तो दोस्तों बताइए एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो जब दोस्तों यहाँ पर आप लोग पेपर खोलेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बी वाला, ठीक है ना। कागज को प्रश्न अनुसार मोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होगी, ये आकृति आएगी कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग का। सबसे पहले आपको ये देखिए, ये और ये दे रखा है, ये दिया गया, फिर आपका ये बना रहा हूं मैं, ये दोस्तों आप लोग का ये यहाँ पर बनेगा, ऐसे दोस्तों आप लोग का इस तरीके से यहाँ पर भी बन जाएगा, क्लियर है। तो बिल्कुल इसी टाइप से आप लोग का बनेगा, ऐसे दोस्तों ऊपर ही बनेगा डिजाइन ये पूरा आके, और यहाँ से हमारा राइट आंसर जाएगा बी वाला। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए एक क्वेश्चन ये बड़ा पूछा जाता है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा के नीचे रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। अब जैसे कि आपका लिखा हो यहाँ पर ट्रम्प S21 और नीचे आपका दर्पण लगा हुआ ए बी, तो कौन सी आकृति बनेगी आप सभी को बताना है। तो अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर होगा यहाँ से आपका सी वाला, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। सी क्यों होगा, देख सकते हैं वन, अगर वन आपका डिजाइन इस तरीके से है तो दोस्तों नीचे कैसा हो जाएगा आप लोग का, ये उल्टा बन जाएगा। अगर आपका टू जो है इस तरीके से बन रहा है तो नीचे टू कैसा बनेगा, नीचे टू जो है आप लोग का जस्ट उल्टा बनेगा। ओके तो बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दोस्तों आखिर वो शब्द कौन सा है जो कि शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। मोस्ट MOIST मोस्ट MOIS है ही नहीं, तो दोस्तों ये नहीं बनाया जा सकता। टोनर TONER टोनर बनाया जा सकता है। तो अगर दोस्तों यहां से आप लोग का आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आप लोग का बी वाला, क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा और पूछा गया था आपके एग्जाम में, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को निरूपित करता है, जैसे कि सोना, कार्बन और धातु। तो दोस्तों आप सभी को बता दें सोना क्या है, सोना एक धातु है, और कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। तो कार्बन सबसे अलग हो जाएगा दोस्तों, और बाकी धातु के अंदर आपका सोना आ जाएगा, क्योंकि सोना भी एक धातु है। तो यहां से आप लोगों का जो राइट आंसर आएगा यह आएगा आपका डी वाला। दोस्तों जो अंदर वाला ये आपका गोल्ड है, और ये जो बाहर वाला जो डायग्राम है, ये जो सर्कल है, ये है आप लोग का धातु, और आपका जो दे रखा है ये कार्बन, ये आपका अधातु, इसलिए सबसे बाहर रहेगा, अलग रहेगा, ये आपका दिया गया कार्बन। तो यहां से आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा आपका डी वाला। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर ये बताना, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर जो है व्यापारी नहीं है, भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। ओके तो दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर जो है व्यापारी नहीं है, तो चलिए फिलहाल लगाकर दिखाते हैं। देखिए वैन आरेख से स्पष्ट है कि 23 उन भारतीयों को प्रदर्शित करता है जो क्रिकेटर तो हैं परंतु व्यापारी नहीं है। तो भारतीय क्रिकेटर जो है व्यापारी नहीं है, तो देखते हैं आप लोग को बताते हैं 23 नंबर को अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए आप लोग का ये एक भारतीय क्रिकेटर है, 23 जो नंबर आपका है, हमारा भारतीय क्रिकेटर तो है लेकिन व्यापारी नहीं है। ओके क्योंकि व्यापारी वाले सर्कल में नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो बिल्कुल ये हमारा 23 नंबर, ये हमारा भारतीय क्रिकेटर तो है लेकिन व्यापारी नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये आप सभी को बताना है। आपको दिया गया 7, 8, 4 ये 88 बना दिया, 5, 11, 6 से 121 बन गया, और 9, 7 और 3 से क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों डायग्राम को और बताइए राइट आंसर क्या होगा, आखिर क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। लॉजिक बड़ा ही सिंपल है लेकिन एकदम समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है,
देखिए हमने देखा यहाँ पर सात और चार हमारा आ गया, सात और चार इनको जोड़ा हमारा गया 11, और 11 की मल्टीप्लाई की 8 से हमारा हो गया दोस्तों 88। ओके फिर जोड़ा हमने 6 और 5 हमारा आ गया 11, 11 की मल्टीप्लाई की हमने 11 से हमारा आ गया दोस्तों 121। तो 9 और 3 9 10 11 12 12 आ जाएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 7 से करें तो कितना आ जाएगा 12 सत्ते 84। तो दोस्तों राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सही जवाब आएगा हमारा ए वाला 84। तो अगर यहाँ से आपका आंसर 84 आ रहा है बिल्कुल सही है, लॉजिक समझ गए ना सभी लोग। इसके बाद देखिए आपका कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अब कुछ आकृतियां छोटी हैं, कोई छोटा लाल नहीं है। अब आपको दो निष्कर्ष दिए गए, तो सभी लोग बताएंगे निष्कर्ष के आधार पर, कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ आकृतियां छोटी हैं, सभी छोटी आकृतियां, पहला वाला बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि आपका ऊपर आई है और आई से कभी भी ए में नहीं बदलते हैं। फिर देखा कुछ लाल छोटे हैं, कोई छोटा लाल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बता दिया गया कोई भी छोटा जो है वो लाल नहीं है, तो कुछ लाल छोटे कैसे हो सकते हैं, तो ये भी आप लोग का गलत हो गया। ओके अगर आप लोग बाइन डायग्राम समझना चाहें तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट, डायरेक्ट कैसे लगाते हैं ये आप लोग का ए आई मैथड है, और एक होता है बाइन डायग्राम से, ठीक है ना। जैसे मैंने मान लिया आकृतियां, ये जो ब्लॉक है आकृति का, कुछ आकृतियां छोटी हैं, तो दोस्तों ने वाले कुछ आकृतियां छोटी, ये हमारा दोस्तों हो गया आकृति का, कुछ आकृतियां छोटी हैं, तो ये जो हो गए दोस्तों कुछ आकृतियां हमारी छोटी हैं, और ये रखा लाल कि कोई भी लाल जो है छोटा जो है लाल नहीं है, तो कोई भी छोटा लाल नहीं है तो बताइए सभी छोटी आकृतियां, सभी छोटी आकृतियां नहीं, सभी कहां से आ जाएंगे, कुछ हैं सभी कहां से है? तो पहला गलत हो गया, और कुछ लाल छोटे हैं, देखिए छोटे और लाल के बीच में कोरिलेशन, तो ये भी गलत रहेगा, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड आपका राइट आंसर आएगा, सही जवाब आएगा आपका डी वाला। ऐसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब आप लोग बताएगा, आपको कथन दिया गया कुछ कलम गोल हैं और सभी गोल काले हैं। अब पहला आपका आई है, दूसरा आपका ए है, आई और ए मिलाकर हमारा क्या बनता है आई आ जाता है, तो गोल से गोल कैंसिल हो जाएगा हमारा, देखिए आई है और ए है, आई और ए जोड़कर मैं क्या निकलता है आई आ जाता है, तो कुछ कलम काले हैं। अब देखिए ऑप्शन कुछ दे रखा है, कुछ कलम काले हैं नहीं दे रखा है, कुछ कलम जो है काले हैं नहीं दिया गया है, अगर कुछ कलम काले हैं तो कुछ काले कलम भी हो गए। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया गया, सभी काले कलम हैं, सभी काले कलम हैं, तो दोस्तों देखते हैं आप लोग का गलत हो गया पहला वाला तो होगा नहीं। इसके बाद देखते हैं आप लोग का सेकंड वाला, कुछ गोल काले हैं। अब देखिए आपको दिया गया सभी गोल काले हैं, हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया कि ए को आई में बदला जा सकता है, अगर सभी गोल काले हैं तो आप लोग कह सकते हैं कि कुछ गोल काले होंगे और कुछ काले गोल होंगे, तो दोस्तों हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सभी गोल कलम हैं। अब देखिए गोल और कलम इनके बीच रिलेशन हो नहीं सकता, सभी में अगर आप लोग बता रहे तो नहीं हो सकता, तो केवल यहां से आपका राइट आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड सही निकलता है, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जे पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी अगर आपके एग्जाम में आते हैं इनको हमेशा स्टेप बाय स्टेप लगाना चाहिए। जे पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र कौन है, ये आप लोग का जे है, जे जो है पुत्र है पी का, पी जो है क्यू की बहन है। अब दोस्तों ये बहन है किसकी, ये क्यू की बहन है, क्यू जो है एम का पुत्र है, क्यू दोस्तों कौन है आप लोग का, ये एम का पुत्र है, तो दोस्तों ये एम का पुत्र है, एम जो है पी से किस प्रकार संबंधित है ये आप लोग को बताना है। अब दोस्तों देख सकते हैं आपको मैंने बताया क्यू जो है वो एम का पुत्र है, और पी और क्यू दोस्तों ये आपस में भाई बहन है, यानी दोस्तों इसका इससे रिलेशन क्या होगा, या तो इसकी माता होगी या फिर पिता होगी, ये चीज में डाउट है। तो दोस्तों आप लोग का राइट आंसर क्या आ जाएगा 21 का, ये आएगा आपका डी वाला, या तो एम पी की माता है या फिर एम की, और जो पी जो, पी जो है एम, एम जो है पी का पिता होगा, या तो पी जो आप लोग का जो एम है माता होगी या फिर ये पिता होगी, तो राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का डी वाला। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है। चलिए फिलहाल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लगाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लगाने बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं इसलिए बिल्कुल आराम से लगाने चाहिए, अगर आप लोग जल्दबाजी करेंगे तब आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो अनिल जो है सुमन का पति है, अनिल लिया हमने यहाँ पर दोस्तों, अनिल जो है ये हमारे सुमन का पति है, ठीक है ना, अनिल सुमन का पति है जो कि पंकज की पुत्री है। अब दोस्तों ये सुमन जो है ये पंकज की पुत्री है, तो पंकज की यहाँ पर पुत्री हो गई, क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखते हैं आप लोग का आगे क्या दिया गया, राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। दोस्तों आपको दिया गया राहुल जो है सुमन का एकमात्र भाई है,
तो ये तो आपस में पति पत्नी हो गए। अब सुमन का भाई है राहुल, ये लोग भाई बहन हो गए, एकमात्र भाई है राहुल। अनिल जो है राहुल से किस प्रकार संबंधित होगा, अनिल जो दोस्तों राहुल से किस प्रकार संबंधित होगा, तो जान देख सकते हैं कि दोस्तों जो अनिल है ये राहुल का जीजा होगा, क्योंकि दोस्तों राहुल के सिस्टर है, तो ये कौन होगा, इसका जीजा होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का ए वाला। अगर यहाँ से आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु है 48 वर्ष। देखिए रोहित की आयु है यहाँ पर 48 और मोहित की आयु जो है वो है 32 वर्ष। तो 12 वर्ष पहले रोहित और मोहित की आयु का अनुपात क्या होगा, क्या था, ये आपको बताना है। देखिए 12 साल पहले दोस्तों आपके रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, 12 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 36। और ये 32 साल दे रखी है मोहित की आयु, 12 साल पहले कितनी होगी, 2 गया 30 और 10 गया 2 20, 20 आ जाएगी। और आपको रेशियो निकालना है, तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आएगा आपका 2 1 2, ठीक है ना। बचा दोस्तों यहाँ पर कितना, 1 2 8 16, 2 3 20, 2 9 18, 2 5 10, तो 9:5 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, सही जवाब होगा यहाँ से आपका बी वाला। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा, क्लियर है, ओके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी एक कार्य को 48, 12 और 24 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर उस कार्य का 2/3 कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, आपको निकालना है। चलिए फिलहाल दोस्तों पहले हम निकालते हैं यहाँ से ए बी सी की क्षमता, ए बी और सी 48, 12 और 24, एलसीएम आ जाएगा हमारा 48, ये रखा 48, 12 और 24, 48 एकम 48, 12 4 48, 24 2 48, ठीक है। अब टोटल काम जो है हमारा 48 है, ए बी सी तीनों लोग मिलकर करना है, इसका 2/3 काम, तो 48 का 2/3 कितना होगा, ये आपको करवाना है। तो कितना होता है हमारा, 3 एकम 3 6 18, 16 2 32, आपको बताना कि 32 काम जो ये तीनों लोग मिलकर कितने दिन करेंगे, 4 2 6 और 1 7, तो 32/7 दिन पूरा होगा। तो एग्जैक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ से ए वाला। तो अगर यहाँ से 24 का आंसर आपका ए आ रहा तो बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां आपको दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी गुणक के आधार पर समान है, 1 आप लोग की बिल्कुल सर्व प्रकार से भिन्न है, तो भिन्न आकृति को चुनिए। तो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते समझ गए दोस्तों राइट आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, सही जवाब होगा यहाँ से दोस्तों आप लोग का बी वाला। क्यों बी वाला होगा, देखिए एक बात देखी होगी आप लोगों ने, देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल बने हैं, अगर दोस्तों ये ट्रायंगल अगर इस तरीके से बना है तो यहाँ पर ट्रायंगल सेम है और यहाँ पर ट्रायंगल सेम है। अगर दोस्तों ये ट्रायंगल का जो दोस्तों ये जो आगे पॉइंट है ये अगर इस डायरेक्शन में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल का भी डायरेक्शन यही है, इसकी डायरेक्शन यही है और इसकी डायरेक्शन भी यही है। अब देखिए इस ट्रायंगल की डायरेक्शन यही है, इसकी डायरेक्शन यही है, इसकी भी यही है, लेकिन यहाँ देखिए 1 आपका इधर है और 2 का मुंह दोस्तों इधर है, और एक ट्रायंगल की जगह पर आप लोगों का देखिए पंचभुज दे रखा है, इसलिए सबसे अलग होगा आपका बी वाला, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां आपको दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा 1 जो है बिल्कुल अलग है, तो विभिन्न आकृति चुनिए, ये आप सभी को बताना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी या फिर डी। तो दोस्तों आपको बता दें बी विकल्प में, बी में दी गई आकृति जो है अन्य से भिन्न है, क्योंकि इसमें जो है 2 तीर के निशान है जबकि बाकी सब में जो है केवल 1 ही तीर का निशान है। तो राइट आंसर क्या आएगा आप लोग का, बी वाला आ जाएगा। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर बी आ रहा है, क्यों बी आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर तीर के निशान कितने, 2 है, यहाँ पर कितना, 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ 2 क्यों है, तो सबसे अलग होगा आप लोग का बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक याद कीजिए, देखिए 4 6 10 18 34, तो अगला स्टेप में आपका कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। अब देखिए 4 है, 4 के बाद आपका आ रहा है 6, फिर आपका 10, फिर 18, तो लॉजिक क्या लग रहा है ये आपको मैं बताता हूँ। देखिए 4 की मल्टीप्लाई की दोस्तों यहाँ पर 2 से, ठीक है ना, उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों यहाँ पर कितना घटा दिया, बिल्कुल। तो देखिए लॉजिक आपका सिंपल लग रहा है, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करिए, 4 2 8, 2 घटाए 200 बचा 6, हमारा 6 आ गया, 6 2 12, 12 से 2 घटाए 10 आ गया, 10 2 20, 2 घटाए 18, 18 2 36, 2 घटाए 34, तो ऐसे दोस्तों लोग क्या करेंगे, 34 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 66। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप सभी का आंसर बी आ रहा है 66, बिल्कुल सही है,
राइट आंसर होगा आप लोग का 66। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब आपसे देखकर बताएंगे करेक्ट आंसर क्या आएगा। आपको यहाँ दिया गया 4, 9, 19, 39, तो अगला स्टेप क्या आएगा ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी का क्या होगा, तो चलिए फिलहाल आपको बताते हैं। यहाँ पर सिंपल लॉजिक लग रहा है, 4 × 8 = 9, 9 × 18 = 19, 19 × 38 = 39, ठीक है ना, और 39 × 78 = 78 और 169। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 79। क्लियर है तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ से आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये होगा आपका बी वाला 79। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने। आइए दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए निम्नलिखित प्रश्न में, और इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और जिसका भी सबसे पहले आंसर आता है उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा। कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा, ये आपको बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा। तो एक आपको आकृति दे रखी है, नीचे आपको चार विकल्प दिए गए हैं ए बी सी या फिर डी, और आप सभी को यहाँ से उत्तर देना है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो चलिए फिलहाल आपको बताते हैं इसका जवाब, तो फिलहाल आपको ही बताना है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आएगा। अब देखिए पहले आपका तीर ऊपर था, फिर आपका मिडल में आया, फिर नीचे गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, अब लग गया होगा आपका आंसर भी आ गया होगा। तो देखिए अब की बार क्या आएगा, पहले आपका यहाँ था, फिर यहाँ पर दोस्तों आपका तीर आया, उसके बाद दोस्तों आप लोग का ये इधर रोटेट हुआ, और रोटेट होने के बाद फिर मिडिल में है, तो अब की बार दोस्तों किधर जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ से आप सभी का जो आएगा ये आएगा आप लोग का डी वाला। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आप लोग का डी। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया, एक विशिष्ट कोड भाषा में यहाँ पर लिखा जाता है फ्लॉग, फ्लॉग को लिखते हैं 47, स्टेयर को लिखा जाता है 67। तो अब आप सभी को बताना रस्ट को जो है इस प्रकार कोड किया जाएगा, तो क्या भाषा में लिखा जाएगा 73, 76, 75 या फिर 78, यह आपको बताना है। तो जैसा कि देख सकते हैं फ्लॉग, चलिए मैं आपको बताता हूँ लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है। एफ एल ओ सी के, F हमारा आता है 6 नंबर पर, L आता है आप लोग का 12 नंबर पर, O आप लोग का 15 नंबर पर रहता है, C है आपका 3 और K आपका 11 नंबर पे है। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ेंगे 12, 6, 18, 15, 3 और 11 जोड़ने पर आप लोग का 47 आ रहा है। ऐसे ही आप लोग देखेंगे स्टेयर, स्टेयर में जोड़ने पर आप लोग का दोस्तों वहां पर 67 आ जाएगा। तो अब आपको बताना रस्ट, R U S T, आप देख सकते हैं हमारा जो R है ये हमारा नंबर है 18, ओके, U जो है वो हमारा 21 है, S की बात करेंगे तो हमारा 19 नंबर है, और T हमारा जो है ये है 20 नंबर। क्लियर है, तो बस कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ दीजिए 18, 21, 19 और 20, तो जोड़ने के बाद आप लोग का जो आंसर आएगा यह आएगा 78। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, D वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा 78। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। आप देख सकते हैं जीएस के क्वेश्चन किस स्टेप से पूछे गए थे, आपको यहाँ पर ये बताना है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अल्प अधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। तो चलिए फिलहाल यहाँ से आपको बताते हैं राइट आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल सही बताया, राइट आंसर होगा सिगरेट उद्योग। सिगरेट उद्योग जो है अल्प अधिकार की परिभाषा से सर्वाधिक निकट है। अल्प अधिकार की बात करें, अब देखिए आप लोगों में से कई लोग पूछना चाहेंगे अल्प अधिकार होता क्या है, तो अल्प अधिकार के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिनमें कम संख्या में बड़े विक्रेताओं का प्रभुत्व होता है। तो यहां से आप लोग का राइट आंसर होगा ए वाला। इसके बाद देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक कौन सी दी गई है यहां पर। तो राइट आंसर होगा यहां से किसी एक समय में एक जैसे समानों के लिए एक समान मूल्य। तो अगर दोस्तों यहां से आप लोग का आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है ना, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती, जिस कारण कोई भी विक्रेता वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, अतः इसकी आवश्यक शर्तों में से एक किसी एक के समय में एक जैसे समानों के लिए एक समान मूल्य होता है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाला। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। अब आपको बताना है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है।
तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका सेबी। सेबी जो है भारत में प्रतिभूति तथा वित्त का नियामक बोर्ड है, अतः यह म्यूचुअल फंड के विनियामक की भांति भी कार्य करता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और सेबी अधिनियम जो है 1992 के तहत वैधानिक मान्यता जो है इसको 30 जनवरी 1992 में मिली। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या होगा, सेबी होगा, SEBI। क्लियर है? ओके, इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको बताते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई। तो सबसे पहले आपका राइट आंसर हो जाएगा कब की गई इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की गई फिलहाल 1921 में। ओके, और 1955 में, दोस्तों एक बार और बता दें आपको, 1955 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1921 में इसकी स्थापना की गई थी और 1955 में दोस्तों इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? अब कौन सा आपका व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है आपको बता दें। 40 का राइट आंसर होगा हमारा बी वाला, बजट बनाना। देखिए कानून बनाना, बजट पारित करना तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण व्यवस्था जो है ये व्यवस्थापिका का कार्य है, जबकि बजट बनाना जो है दोस्तों ये किसका कार्य होता है, ये होता है वित्त मंत्रालय का। दोस्तों बजट बनाना जो है आप लोगों का किसका कार्य होता है, ये होता है वित्त मंत्रालय का। तो दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर रहेगा वित्त मंत्रालय, फिलहाल ये बजट बनाने का कार्य करता है। सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? चलिए फिलहाल आपको बताते हैं सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो दोस्तों बिल्कुल ये सारे विकल्प आप लोगों को सही दिए गए। तो दोस्तों इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप से प्रतिपादन थॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा किया गया था, तो इसलिए आपके सारे विकल्प बिल्कुल सही दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना किस संशोधन के तहत की गई थी? आइए देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, सन 1991 में आर्टिकल नंबर 239 के ए में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। तो राइट आंसर होगा हमारा यहां से बी वाला। तो अगर दोस्तों यहां से आपका आंसर बी आ रहा, बिल्कुल सही है, कब, 1991 में आर्टिकल नंबर 239 के ए में और आप लोग का 69वें पार्ट में। तो दोस्तों आपको बता दें 59वां, ठीक है ना। दोस्तों यहां से आप लोग का जो है 69वां जो संशोधन है इसके तहत जो है विधानसभा की स्थापना की गई। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 368 में क्या वर्णित प्रावधान किया गया है? देखिए संविधान के आर्टिकल नंबर 368 का है या भाग 20 का है? तो दोस्तों यहां से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा संशोधन करने की जो है संसद की शक्ति को प्रशासित किया गया। तो दोस्तों बिल्कुल यहां से राइट आंसर होगा आपका डी वाला, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति का यहां पर व्याख्यान किया गया। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? बताना दोस्तों आप सभी को, कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में स्थित है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा यहां से आप लोग का राखी गढ़ी। तो अगर दोस्तों यहां से आपका आंसर बी आ रहा, बिल्कुल सही होगा, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार जो है किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, तो चलिए आपको बताते हैं, दिल्ली में हौज खास क्षेत्र में स्थित चोर मीनार जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 13वीं सदी में बनवाई गई थी। तो राइट आंसर आएगा दोस्तों यहां से अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर दोस्तों यहां से आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल सही होगा, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की पीडीएफ फाइल भी आप लोग को जो है टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसके अलावा आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप सभी लोग पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से किसी के पास भी अगर हेड कांस्टेबल का पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो 2014 पेपर हुआ था, तो उसका पेपर आप लोग हमें प्रोवाइड करा सकते हैं विद आंसर की के साथ में, तो उस पूरे पेपर को आप सभी के साथ सॉल्व करवा दिया जाएगा। जिसके पास ही पेपर हो कृपया करके आप लोग पहुंचा दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किस राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम जो लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा स्वदेशी आंदोलन। सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, इस दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना।
और वंदे मातरम के रचयिता जो हैं ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की थे, जिन्होंने संस्कृत बांग्ला मिश्र भाषा इसको लिया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आपका स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली सल्तनत की आप लोग का अल्पकालीन राजधानी थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो अल्पकालीन राजधानी थी ये थी देवगिरी। आइए दोस्तों आपको बताते हैं राइट आंसर यहाँ से क्या होगा। सही जवाब होगा आपका देवगिरी। देवगिरी दिल्ली की आपातकालीन राजधानी थी। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद का प्राचीन नाम भी है। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद का प्राचीन नाम है। और एक बात और इससे जुड़ी बता दे, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय से दिल्ली की राजधानी थी और देवगिरी फिलहाल अब जो है आपकी औरंगाबाद में स्थित है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ से आपका देवगिरी। इसके बाद देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर यह बताना है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आप लोग का सी वाला, राजस्थान में। ओके तो आप सभी को बता दें फिलहाल यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है राजस्थान के अजमेर में स्थित है। प्रारंभ में यह सरस्वती माता के मंदिर से युक्त एक संस्कृत कॉलेज था, जिसे मोहम्मद गौरी की आज्ञा अनुसार 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मस्जिद में परिवर्तित करवाया गया। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का ये कहाँ पर है, ये फिलहाल आपका राजस्थान के अजमेर में। तो दोस्तों ये राजस्थान के फिलहाल अजमेर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों क्या आप लोगों में से कोई ये जानता है योशंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। योशंग जो है मणिपुर में बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला 5 दिन का उत्सव होता है। तो राइट आंसर होगा फिलहाल आप लोग का 5 दिन का उत्सव होता है मणिपुर में मनाया जाता है, बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला 5 दिन का त्योहार है। ओके चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कश्मीर की पूर्वी सीमा का नाम क्या है। तो कश्मीर की जो पूर्वी सीमा है ये है आप लोग की लद्दाख क्षेत्र। तो कश्मीर की पूर्वी सीमा लद्दाख क्षेत्र है, जो कि उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमाचल पर्वत के बीच स्थित है। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आप लोग का आ जाएगा लद्दाख क्षेत्र। और अब देखते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने। दोस्तों जलपाईगुड़ी जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है। आप सभी को दोस्तों यहाँ पर यह बताना है कि जलपाईगुड़ी जो है किस नदी के किनारे जो है स्थित है, गंगा, यमुना, तिस्ता या फिर ब्रह्मपुत्र। तो बिल्कुल मैं आपको बताने वाले राइट आंसर यहाँ से आप सभी का क्या होगा। तो जलपाईगुड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य का एक जिला है। पहली बात तो पश्चिम बंगाल राज्य का एक जिला है जो पश्चिम बंगाल के उत्तर में तिस्ता नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर आपका क्या आएगा, सही जवाब आएगा आप लोग का सी वाला। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। दोस्तों कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 52 का, फिलहाल आप सभी को बता दें राइट आंसर दोस्तों यहां से होगा आपका ए वाला, अरावली रीज। ओके तो आप सभी को बता दें इसके बारे में, अरावली रीज जो है सिंधु एवं गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है और यह राजस्थान में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। तो बिल्कुल दोस्तों ये आप लोगों का कहां पर है, ये आपका राजस्थान में है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन आइलैंड ये कहां पर स्थित है। अंडमान निकोबार, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय। दोस्तों अगर हम बात करें भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है आप लोग का वैरन आइलैंड, ये आपका अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो राइट आंसर आएगा आपका अंडमान द्वीप समूह। और यह द्वीप समूह बंगाली खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का क्या स्थान है। तो देखिए कपास के निर्यात के मामले में बात करें तो हमारे भारत कौन से नंबर पे आता है ये आप सभी को बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ से होगा 54 का बी वाला, दूसरे नंबर पर। दोस्तों वर्तमान में कपास निर्यातक देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। यह एक नकदी फसल है जिसे जो है यहाँ पर रुई तैयार की जाती है और इसे जो है सफेद सोना भी कहते हैं, इसे दोस्तों सफेद सोना भी कहते हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दूसरे नंबर पर, हमारा भारत इसमें जो है दूसरे नंबर पर है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो दोस्तों सही जवाब होगा यहाँ से आप सभी का कोरोमंडल, क्लियर है। तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों जैसे दिया गया है कोरोमंडल या फिर रायलसीमा, ये भारत के वे क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी मानसून से अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करते हैं।
एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा डी वाला। इसके बाद देखते हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए साइंस, साइंस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, क्या उनका लेवल था, कितने क्वेश्चन पुटअप किए गए थे और क्या इस तरह, ये देख सकते हैं आप लोग। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए, दोस्तों ध्यान दीजिए आज हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर आपको दिया गया है जब एक गतिशील पिंड की गति को, अगर इसकी गति को दोगुना कर दिया जाए, दोस्तों ने मान लिया यहाँ पर गति हमारा बी डैश है, इसको मान लिया टू बी कर दिया जाए, तो दोस्तों आपको बताना है ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों हम लोग को बी की जगह टू बी पुट करना है, तो लिखेंगे हाफ एम बी की जगह लिखेंगे दोस्तों टू बी का होल ऑफ स्क्वायर, हमारा आएगा हाफ एम और यहाँ पर आ जाएगा फोर बी स्क्वायर। तो देखिए हमारे दो से दो कट जाएगा, दो दूनी चार आ जाएगा चार, तो बचेगा दोस्तों हमारे क्या, बिल्कुल यहां पर दोस्तों जो आप लोग का आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4k, क्लियर है। तो k डैश बराबर आ जाएगा हमारा 4k, क्योंकि दोस्तों हमारा आएगा क्या पर, हमारा आ जाएगा दोस्तों यहां से देखिए दो से चार कट जाएगा, हमारा बचेगा 2m v स्क्वायर, क्लियर है। तो m v स्क्वायर है दोस्तों, हमने मल्टीप्लाई किससे करी, हमने मल्टीप्लाई कर दी दोस्तों यहां पर किससे, जी बिल्कुल 1/2 नीचे लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करा दी, तो ये तो बन गया 2 × 4 और हाफ एम बी स्क्वायर, ये है k, तो k बराबर आ जाएगा हमारा 4k डैश, मतलब कितना गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो बिल्कुल यहां से हमारा राइट आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा बी वाला, ओके। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, और निम्नलिखित में से किस और किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है सबसे अधिक होती है, आखिर विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो है सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो आप सभी को बता दें विशिष्ट ऊष्मा जो है धारिता किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप बढ़ाने के लिए एक आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, दिए गए विकल्पों में से जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा यहां से आप लोग का ए वाला, जल। चलिए फिलहाल अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो उपकरण, इसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये उपकरण कहलाता है आपका थर्मोस्टेट, मैंने पहले भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट, ओके। तो बिल्कुल सही है आप लोगों के लिए आंसर, ये थर्मोस्टेट ही होगा। और अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य के नाखून जो किसके बने होते हैं। देखिए नाखून की बात करें, देखिए कैरोटीन, कैरोटीन एक फाइबर नुमा आकृति का प्रोटीन होता है, जैसे कि हमारे जो बाल हैं, नाखून है, पंजे हैं, जो सींग वगैरह जो होते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं केराटिन के। तो दोस्तों यहां से 59 का एग्जैक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, केराटिन। तो केराटिन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी साइंस का ही है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। तो चलिए आपको बताते हैं, जैसे जाओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और आपको बता दें यहां से राइट आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी। तो दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टरी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी नामक धमनी ये मानव शरीर के ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है, अपितु ये ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन करती है। तो राइट आंसर आएगा हमारे यहां से डी वाला। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है। देखिए पालक में आप लोग का आयरन पाया जाता है, पालक जो है आप लोग का अमरथेंसी कुल का एक पादप है जिसमें खनिज लवण विटामिन ए बी सी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, परंतु ऑक्जेलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण इसमें कैल्शियम नहीं होता है। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा आप लोग का, सभी विकल्प सही है। तो फिलहाल दोस्तों इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी भी होता है, तो यहां से आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा डी वाला, लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण इसमें कैल्शियम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन भी साइंस का है, कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है। देखिए एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं आप लोग के प्रोपेन और ब्यूटेन, ये क्वेश्चन मैंने आरआरबी की क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, सही जवाब होगा यहाँ से आप लोगों का प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैलिना के नाम से भी जाना जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैलिना आखिर क्या है गैलिना और इसे किस नाम से जाना जाता है। चलिए आपको बताते हैं गैलिना, गैलिना एक लेड सल्फाइड का खनिज रूप है, लेड सल्फाइड का दोस्तों यहां से राइट आंसर आएगा हमारा सी वाला, गैलिना लेड सल्फाइड का खनिज रूप है, यह लेड का एक महत्वपूर्ण अयस्क तथा चांदी का प्रमुख स्रोत होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा सी वाला। इसके बाद चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्रोव वनस्पति है। अब मैग्रोव वनस्पति कौन सी यहां पर आपको दी गई है, राइजोफोरा, बिल्कुल सही बताया दोस्तों आप लोगों ने,
जिसका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही है। तो आप सभी को बता दें, राइजोफोरा जो है एक मैग्रोव वनस्पति है जो कि आपके राइजोफोरासी वर्ग के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? राइजो फोरा सीए के। तो राइजोफोरासी वर्ग के अंतर्गत आती है। मैग्रोव सामान्यतः वे पेड़ पौधे होते हैं जो खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैग्रोव दोस्तों वे पौधे होते हैं जो कि खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 65, वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये कैसा पैमाना होता है, कैसा यंत्र है? तो दोस्तों ये वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना होता है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है ये वायु की क्वालिटी को दर्शाने वाला एक पैमाना है। तो फिलहाल दोस्तों यहां से तो डायरेक्ट आंसर आपका बी होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बैंतिक क्षेत्र पाया जाता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंतिक क्षेत्र। अब आप लोगों में से बता दें बैंतिक क्षेत्र होता है क्या? देखिए बैंतिक क्षेत्र एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक क्षेत्र होता है जो कि जल स्रोत जैसे कि महासागर, समुद्र इत्यादि के निम्न स्तर पर होता है। तो यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा जल पारिस्थितिक तंत्र, बिल्कुल सी वाला विकल्प आपका सही दिया गया है। और इसी के साथ देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की? अब जैसा कि दोस्तों आपको बता दें ये क्वेश्चन आप लोग स्किप कर दीजिए, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ। करंट का क्वेश्चन है उस टाइम में, क्योंकि 2017 का पेपर है तो 2017 की करंट अफेयर आएगी। आपको दोस्तों नई करंट अफेयर पढ़ के जाना है अपने इस एग्जाम के लिए। राइट आंसर होगा यहाँ से आपका छत्तीसगढ़। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत सरकार की संपदा योजना जो है किससे संबंधित है? 68 का करेक्ट आंसर आ जाएगा फिलहाल, खाद प्रसंस्करण से। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? खाद प्रसंस्करण। देखिए दिल्ली हेड कॉन्स्टेबल का भी लगभग सेम ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। अगर आप लोग मुझे पेपर प्रोवाइड करा देंगे तो मैं पूरा उसके बारे में दोस्तों डिफाइन कर दूंगा, कैसा लेवल रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, फिर मैं आप लोग को और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड प्रोवाइड करा दूंगा। तो जिस किसी के पास भी यहाँ पर पेपर है तो आप लोग मुझे प्रोवाइड करा दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहा है 9889558974। अगर आप लोगों के पास भी किसी के पास भी अगर दोस्तों यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल का पेपर है तो आप सभी लोग विद आंसर की जो है इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 69, इसको भी स्किप कर दीजिए, 2017 का क्वेश्चन है। चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के बारे में कौन सा पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया? तो आपको बता दें दोस्तों डिजी लॉकर जैसा कि यहाँ पर दिया गया, डिजी लॉकर यानी कि डिजिटल लॉकर ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी है। और यहाँ से आप लोगों को दिया गया दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भंडारित होती है। तो बिल्कुल ये पॉइंट आपका गलत दिया गया है। ओके, तो अगर यहाँ से आपका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। आप चलते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन पर। 2020 में दोस्तों आपको दिया गया 2020 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2020 ग्रीष्म ओलंपिक ये आपका 24 जुलाई से 9 अगस्त तक टोक्यो यानी कि जापान में खेला जाएगा, जबकि शीतकालीन ओलंपिक आयोजन बीजिंग चीन में किया जाएगा। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन का जो आयोजन है ये होगा आप लोगों का यहाँ पर टोक्यो में जापान, और बाकी ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है, शीतकालीन जो ओलंपिक है उसका आयोजन आप लोगों का बीजिंग चीन में किया जाएगा। आप देखेंगे हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 72, अंडर 17 फीफा कप 2017 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फिलहाल दोस्तों ये तो आपका भारत में किया गया था, इसको स्किप कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चीन ने एक रणनीतिक स्थल हवन तोता गहन बंदरगाह में 70% हिस्सा जो खरीदा है, यह बंदरगाह जो किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का श्रीलंका। तो अगर यहाँ से आपका आंसर श्रीलंका आ रहा है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल यहाँ से आपका आंसर होगा डी वाला, श्रीलंका। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में से किस उद्यम का सहयोग मांगा है? अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को पता ही होगा, राइट आंसर आप लोग का है NPCI। ओके, राइट आंसर आप लोग का है NPCI। ओके, इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 75 नंबर पर। 47वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? द थ्रोन, डॉटर, मेलोमर्ड या फिर राउत ने? तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, राइट आंसर होगा 47वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये ईरान की फिल्म है डॉटर इसने जीता है,
और इसका निर्देशन रेजा मिरकर्मी ने किया था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का डॉटर। ओके एग्जैक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से आपका क्या होगा, ये होगा आपका डॉटर। निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी? ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। राइट आंसर आएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का राधिका मेनन। मैंने क्वेश्चन कई बार आपके साथ डिस्कस किया है, ये दुनिया की पहली महिला बनी है जो कि समुद्र में असाधारण वीरता के लिए इनको जो है यहाँ पर IMO अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है राधिका मेनन। और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का JGEM पोर्टल किससे संबंधित है? देखिए भारत सरकार का जो आप लोग का GEM पोर्टल है ये किससे संबंधित है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए GEM पोर्टल जो है सार्वजनिक खरीद से संबंधित है। तो पहली बात तो आपका राइट आंसर आएगा सी वाला, सार्वजनिक खनिज। और यहाँ से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के लिए सामान एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जाती है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल। और इसी के साथ देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। अब आप सभी को दोस्तों यहाँ पर देखना है भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा सूक्ष्म उद्योगों को ऋण व वित्त उपलब्ध कराना। सूक्ष्म उद्योगों को ऋण व वित्त उपलब्ध कराना ये इसका मुख्य कार्य है। तो इसलिए दोस्तों यहां से आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा डी वाला। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को लेकर बंटवारे को लेकर विवाद है? राइट आंसर आएगा आपका तिस्ता। सही जवाब होगा यहां से आपका ऑप्शन सी तिस्ता। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 80 आप सभी के सामने, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? दोस्तों रियो शिखर सम्मेलन की बात करें इसका संबंध है जैव विविधता से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो क्वेश्चन। तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका जैव विविधता पर सम्मेलन से। ओके और इसका आयोजन फिलहाल ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरिको में किया जाना जो था किया गया था। तो फिलहाल यहां से आपका तो आंसर हो जाएगा डी वाला। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए 81। नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों जो नदियों में जो पानी जो प्रदूषित हो जाता है तो जो लेवल होता है प्रदूषण का इसको जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपको बताते हैं नदियों झीलों तालाबों जैसे जल स्रोतों में जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए जल में ऑक्सीजन की विघटित मात्रा का प्रयोग किया जाता है और यह जल प्रदूषण की मात्रा की रासायनिक विधि है। तो राइट आंसर यहां से होगा दोस्तों आप लोग का डी वाला, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग पढ़ लीजिएगा। तो देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेवल जो है काफी आसान ही है, नॉर्मल लेवल है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को जनरली बुक में मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप लोग को लुसेंट पढ़ लेनी है पूरी, आप लोग को तैयार रखनी है। और बाकी जो मैं आगे बुक आपको सजेस्ट करूंगा और जो प्रैक्टिस बुक सजेस्ट करूंगा वो आप लोग बाद में परचेस कर लीजिएगा। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, हग हेफनर का 91 वर्ष की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन हो गया, वे कहां के संस्थापक थे? फिलहाल इसको स्किप कर दीजिएगा, आंसर यहां से होगा आपका सी वाला, प्ले बॉय पत्रिका। राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का प्ले बॉय पत्रिका। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जी किस राज्य के राज्यपाल थे? तो दोस्तों आप सभी को बता दें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले 2017 जुलाई में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। इससे पहले ये राज्यसभा सदस्य और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। तो राइट आंसर आएगा हमारा बी वाला, बिहार। क्लियर है? तो सही जवाब होगा दोस्तों यहां से हमारा बिहार। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर मैसूर जो कि कर्नाटक का एक सबसे प्रमुख शहर है, भारत का पहला शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला शहर बन चुका है और यह शहर तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, अगर यहां से आपका आंसर मैसूर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम? तो देखिए टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करने वाला जो राज्य है वो है फिलहाल तेलंगाना। तो तेलंगाना जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बनने वाला भारत का 29वां राज्य है और यहां से राइट आंसर आ जाएगा तेलंगाना। तो ये थे दोस्तों कुछ हमारे यहाँ पर जीएस के साइंस के मिक्सअप में क्वेश्चन मैंने आपको कराए।
और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो करंट के क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में पुट अप किए गए थे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है मैथ से। अब मैथ रिलेटेड बड़े सिंपल क्वेश्चन आए थे। अब 625 ये आप लोग का 25 का होता है और आपका नीचे चार जीरो आएंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 86 का। देखते ही बताइए सी वाला आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सी वाला विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया आपको 1 + 2 + 3 + 4। ये सीरीज आपकी 20 तक जा रही है, इसको 7 से डिवाइड करना है। देखिए सीरीज को सबसे पहले आपको दिखाते हैं n पदों का योगफल क्या होता है आपका n n + 1 / 2 20 × 21/2 धाम 20 210 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 7 या 21 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो अगर दोस्तों यहां से आप लोग का आंसर 30 आ रहा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? दोस्तों कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है आप सभी को ये बताना है। चलिए 2/3 का मान आपको बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग विकल्पों को देखेंगे ध्यान से। 2/3 का मतलब होता है हमारा 0.667, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ये तो आप लोग का छोटा ही है। 4/7 का मतलब होता है आप लोग का 0.57, छोटा निकल गया। 3/7 का मतलब होता है हमारा 0.4, छोटा निकल गया। और 6/7 का मतलब होता है 0.571। ओके तो 88 का फिलहाल यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये होता है हमारा दोस्तों यहाँ पर 6.7 का 76.08 आएगा, तो 0.857। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग आ जाएगा 0.87, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, सही जवाब होगा आप लोग का डी वाला। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2, 3, 4 और 6 इससे विभाजन करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आप सभी को बताना है। देखिए सबसे पहला काम आपको है 2, 3, 4 और 6 ठीक है ना, इनका लासा निकालिए। इनका जो लासा आएगा कितना आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 2, 3, 4 और 6 का लासा आ जाएगा आपका 12। आइए देखते हैं, तो 2, 3, 4, 6 इनका एलसीएम जो आ जाएगा ये आ जाएगा 12। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखेंगे कौन सा, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 से डिवाइड करेंगे 12 × 8 = 96, 40 बचा ठीक है ना, 12 × 4 = 36, 12 × 3 = 36 दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर जीरो आ जाएगा, तो ये सीरीज चलती रहेगी। दोस्तों हमारा 4 आ गया, दोस्तों सी सारा हमारा 4 क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर इससे विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी, 1000 + 12 में से 4 को घटा देंगे तो ये संख्या आ जाएगी हमारे दोस्तों 1000 + 8 और एक आपका शेषफल दे, क्योंकि 1008 तो दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। 1008 वो संख्या है जो पूरी तरीके से दोस्तों 12 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी घटेगा, 3 से भी घटेगा, 4 से घटेगा, 6 से घटेगा, और अगर एक शेषफल चाहते हैं तो उसमें 1 जोड़ दीजिएगा और यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा 1009। ओके तो राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने 3.2 × 3.2 + 2.7 × 2.7 + 3.2 × 2.7 तो a² + b² + ab। अब देखिए यहाँ पर आपका लॉजिक क्या लग रहा है ये आपको ध्यान से देखना है। हमने मान लिया दोस्तों 3.2 हमारा a है और 2.7 हमारा b है, तो ये लिखा हमारा a² + b² + ab। नीचे देखा हमें लिखा हुआ है a³ - b³। तो दोस्तों ये तो हमारा ऊपर वाला वही रहेगा, नीचे क्या होगा हमारा a - b और ब्रैकेट हमारा वही आता है a² + b² + ab, इससे ये कट जाएगा ऊपर वाला और हमारा बचेगा दोस्तों डायरेक्ट 1/a - b। ओके तो हमारा 1/a - b बचेगा, तो लिखेंगे 1/3.2 - 2.7 डायरेक्ट और माइनस करने का दोस्तों आप लोगों का कितना बचेगा यहाँ पर, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, ये बचेगा हमारा 1/0.5 और सॉल्व करेंगे हमारा 0.90 आ जाएगा 5×10, तो राइट आंसर आ जाएगा सी वाला। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका सी आ रहा बिल्कुल सही है, तो देखा दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बिना किसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारे सामने। यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है तथा बी जो है 150 से 2% ज्यादा है तो ए का मान क्या होगा। अब देखिए क्या दिया गया है, ए जो है दूसरी संख्या बी से 30% कम है। ओके आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाना है। अब आपको दिया गया है एक संख्या ए जो है दूसरी संख्या बी से 30% कम है और आपको दिया गया बी जो है 150 से 2% ज्यादा है। 150 से दोस्तों आपको कितना रखा है 2% ज्यादा है, सॉरी ये आपका 20 होगा ठीक है ना, 20% ज्यादा है, ए का मान कितना होगा आपको निकालना है। चलिए फिर दोस्तों आपको बताते हैं, बी जो है यहाँ पर ये आपका 150 का
20% ज्यादा यानी कि इसका 120% निकालना कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% ज्यादा है तो लिखेंगे 120 बटे 100। ओके, जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 कम 12 6 18, 180 आ जाएगा बी का मान। अब आपको दिया गया ए जो है बी से 30% कम है, तो ए जो है बी हमारा 180, ए से 30% कम है यानी कि इसका 70% निकालना है। 70 निकालने के लिए कितना आएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 18 70 आ जाएगा 126। तो अगर दोस्तों यहां से आपका आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ए बराबर दे रखा है 5/4 बी, बी बराबर दे रखा है 2/10 सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। अब देखिए दोस्तों यहां से आपका दे रखा है ए बटे बी बराबर हमारा है 5/4, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे बी अपॉन सी बराबर आ जाएगा 2/10। अब देखिए यहां पर बी का मान कितना है, 4 है, यहां पर बी का मान 2 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 4/20। अब देखेंगे हमारा ए का मान कितना है, 5 है, बी का मान कितना है यहां पर 4 है, और सी का मान कितना है 20 है, तो राइट आंसर आ जाएगा 5/4/20, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 8000 रुपए पर 2.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सीआई और एसआई का अंतर कितना होता है, ये होता है हमारा पी आर अपॉन 100, इसकी पावर हो जाएगी 2। पी हमारा दे रखा है दोस्तों 8000 रुपए, लिखेंगे हम लोग 8000। आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 2.5 दे रखी है, 2.5 की जगह पर दोस्तों नीचे लिख लेंगे 1000 और इसका स्क्वायर लगा देंगे। समय दे रखा है हमें 2 वर्ष का, तो समय लिख लिया 2 वर्ष, 25 चौक 100 40 आ गया, 40 हो गया दोस्तों। आगे लिखेंगे हम लोग, आ जाएगा हमारा 8000 मल्टीप्लाई में 1/40 × 1/40, ठीक है ना। तो देखिए 40 से काटेंगे हमारा 0 आ जाएगा, 4 × 8 आ जाएगा 200 बचेगा, फिर 0 से कट जाएगा, 4 × 5 = 20 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों का 2.5% दर से 8000 रुपए का 5 रुपए होगा, सही जवाब होगा यहाँ से आपका डी वाला। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 40 कुर्सियां हैं 10000 रुपए में खरीदी गई, 60% का लाभ कमाने के लिए 10000 रुपए में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए, ये आप सभी को बताना है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के लिए। 40 कुर्सियां 10000 रुपए में खरीदी गई हैं, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं, एक जो चेयर है, एक चेयर की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, क्योंकि 40 जो है आप लोग की 10000 रुपए में, तो एक के निकालेंगे 40 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, 250 रुपए आ जाएगा। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है, एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 60% का लाभ चाहिए, 250 का 160% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 400 आ जाएगा। तो दोस्तों 60% का लाभ लेने के लिए एक कुर्सी को हमें 400 बेचना पड़ेगा, तो आपको कितने रुपए चाहिए यहाँ से, 10000 रुपए। 10000 रुपए में कितनी कुर्सियां बेचेंगे आप लोग, तो 10000 रुपए बेचने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 10000 को 400 से डिवाइड कर देंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा 25। बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ से आप लोग का ए वाला। तो अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर ए आएगा तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। पीयूष जो है अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देने के पश्चात वह उसको 780 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। तो आइए देखते हैं। अब पीयूष जो है अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अब क्रय मूल्य से 30% ज्यादा अंकित करता है और 20% डिस्काउंट देने के पश्चात 780 रुपए में बेचता है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर 750 आ रहा, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और उसके अंदर खींचे गए दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जैसे एक आपका वर्ग है, ये आपका एक वर्ग दे रखा है और इसके अंदर आप लोग एक सर्कल बनेगा, ठीक है ना। मान लिया एक हमारा सर्कल बना हुआ है, तो इस सर्कल का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे हमें आर पता होना चाहिए। दोस्तों आर कितना होगा आप लोग का, आर यही तो होगा दोस्तों, आर जो होगा हमारा ए अपॉन टू होगा, आर बराबर क्या होगा, ए अपॉन टू होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर एस टू, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। आर की वैल्यू आपको पता है ए बाई टू है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर 22/7 और यहां पर दोस्तों लिखेंगे ए अपॉन टू का होल ऑफ स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा दोस्तों इधर 7a² बराबर हमारा लिखा हुआ है 22, मल्टीप्लाई दोस्तों हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बटे में 4 आ जाएगा, a² से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से काट देंगे हमारा 2 एकम 2 2 एकम 2 11 आ जाएगा और दोस्तों 14 आ जाएगा। तो दोस्तों एग्जैक्ट आंसर कितना होगा यहाँ से हमारा,
14/11 हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर दोस्तों यहाँ से आप लोग का आंसर 14/11 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर हमारा क्या जाएगा 14/11, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये हमारा पूछा गया था वर्क एंड टाइम से, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके तो फिलहाल उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए क्योंकि उस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको नहीं दिए गए। और अब देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन, एफ और एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, एफ अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एम उसी कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है आपको बताना है। तो एफ और एम मिलकर दोस्तों उस कार्य एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, एफ अकेला उस काम को मिलकर 12 दिन कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एफ प्लस एम 8 दिन में, एफ 12 दिन में, एम कितने दिन में करेगा आपको बताना है। 12 और 8 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 24, 12 और 24 8 3 24 दोस्तों ये 2 है तो ये क्षमता होगी 1 की, तभी 2 और 1 मिलाकर आपका 3 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि एम की क्षमता 1 है, एम एक दिन एक काम कर पाता है तो 24 काम करने के लिए 24 दिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो राइट आंसर होगा आपका सी वाला। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आपका दिल्ली हेड कॉन्स्टेबल का पेपर, जो कि आप सभी का यहाँ पर जो है 5 दिसंबर 2017 को पहली पाली में आयोजित किया गया था। इस एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों बात रही हेड कॉन्स्टेबल की, आप लोगों ने उससे पेपर का सॉल्यूशन मांगा था तो मैंने आज यहाँ पर कॉन्स्टेबल का पेपर सॉल्व करवाया है। अगर आप लोग के पास प्रीवियस का पेपर हो तो आप लोग मुझे प्रोवाइड करा सकते हो, आपको उस पेपर को भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। ओके तो फिलहाल फिर मिलते हैं इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीवियस के पेपर के साथ। बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।